सभी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया एमपी अब तक का, शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दमोह से, जहां लापरवाही से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। बरसात से कृषि उपज मंडी में रखा अनाज भीग गया। मंडी के अंदर खुले में ही कई क्विंटल अनाज रखा हुआ था। बारिश हुई और बारिश में देखिए किस तरह से किसानों की मेहनत पर पानी फिरा है, वो आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। दमोह और पथरिया कृषि उपज मंडी में ये अनाज भीग गया। मंडी में किसान अनाज को बेचने के लिए आए हुए थे, लेकिन खुले में क्योंकि ये अनाज रखा हुआ था तो ऐसे में बारिश हुई और अचानक हुई बारिश में ये किसानों का जो अनाज था, साल भर की जो मेहनत थी, वो भीग गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हालांकि बाद में पन्नी बिछाकर अनाज को ढकने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बाहर ना सेट पे, बाहर सेट के बाहर और पूरा पानी भरा है, उसमें अंदर चला गया है। बरसात ही थोड़ी, जो कुछ हती थोड़ी डाल दी और अब क्या, वो बोल रहे हैं मंडी में कोई व्यवस्था नहीं। क्या व्यवस्था है, पूरा मंडी खुला डरा। मासा गांव से आए थे, हमारा 10 क्विंटल गीला हो गया है। या तो प्रशासन को यहाँ पे कुड़े लुवाना नहीं चाहिए किसानों का, और कुड़े लुवा रहे हो तो पहले तक डांस भाव चाहिए सवेरे से। 20-25 क्विंटल चना गीला हो गया और सरसों भी कम से कम 2 क्विंटल पानी में बह गई, सेटों की व्यवस्था की कमी होने के कारण। आशीष जैन दमोह से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आशीष, किसानों का जो पूरी मेहनत थी किसानों की, वो तो बर्बाद हो गई, इस पर पानी फिर गया। अब जो वहां पर मंडी के अधिकारी हैं, क्या कहना है उनका? जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह में अचानक मौसम बदला और मौसम बदलने के साथ ही यहां पर तेज पानी गिरा। तेज पानी ही नहीं गिरा बल्कि यहां पर तेज हवाओं के साथ पानी गिरा। इस दौरान जब किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी आए हुए थे, क्योंकि सुबह से मौसम खुला हुआ था, धूप भी निकली हुई थी और यहाँ पर किसान मंडी में अनाज बेचने के लिए आए थे। 2 मंडियों के हमने हाल दिखाए हैं, एक पथरिया का मामला है और दूसरा दमोह का भी मामला है। यहाँ पर खुले में अनाज रखा हुआ था क्योंकि शेड में भी अनाज रखा हुआ था। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे थे और जैसे ही अचानक आंधी और बारिश शुरू हुई तो किसानों का जो अनाज है वो भीगने लगा। भीगने ही नहीं लगा बल्कि बारिश होने के चलते वो बहने भी लगा, जो हमने वीडियो में आपने दिखाया है और लगातार जो वीडियो हमारे पास सामने आए हैं। और उसके बाद किसान काफी परेशान है क्योंकि उनका कहना है कि उनकी जो मेहनत की फसल है, जो कई महीनों की मेहनत के बाद वो उन्होंने जो फसल उगाई थी, जो बीज उन्होंने जो उगाए थे, वह अब उनके पूरी तरह से खराब हो गए हैं और पूरा अनाज उनका भीग गया है। और अनाज भीगने के बाद अब उन्होंने प्रशासन से इस मामले में मदद की गुहार भी लगाई है। मालूम हो कि इस तरह के हालात लगातार पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन 3 शेड की व्यवस्था कम होने, चाहे पथरिया हो चाहे दमो हो, वहां पर डाक की व्यवस्था काफी इंतजामों के चलते किसानों की मेहनत पर तो पानी फिर गया। अब देखना ये होगा कि प्रशासन क्या करता है इसके लिए, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए। बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और आशीष हमारे सहयोगी पूरे हालात की जानकारी यहां दे रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सिवनी और सतना की। यहां पर भी अचानक मौसम बदला, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। सिवनी के खवासा गांव में हो रही शादी के दौरान तेज हवाओं से मंडप उड़ गया। शादी में शामिल होने आए लोग मंडप गिरने के बाद तेज हवाओं और बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। उधर सतना में मैहर जिले में तेज तूफान के साथ बारिश हुई, कुछ जगहों पर जमकर ओले भी गिरे, आम की फसलों को भी नुकसान पहुंचा। और अब बात कर लेते हैं रतलाम की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने अजीबोगरीब ऐलान कर दिया। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि हर महिला के खाते में 1 लाख भेजने का काम कांग्रेस सरकार करेगी और जिसकी 2 बीवियां हैं उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भूरिया के बयान का समर्थन करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आपके जो भावी सांसद हैं भूरिया जी, इन्होंने अभी बहुत भयंकर घोषणा कर दी है, जिसकी 2 पत्नियां हैं उसको डबल मिलेगा, 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा, 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा उसपे। मन पर राजे तो मेरे पिता तुल्य, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भावी अभी
नए सिरे से लोकसभा के सांसद आदरणीय राजा साहब, जरा जोरदार ताली बजाओ तो एक बार। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी है बिहार कि जिसकी दो पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, चुनाव का मौसम है, जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के वादे किए जाते हैं और यहां तो वादे करने के दौरान बहक ही गए कांतिलाल भूरिया। बिल्कुल, देखिए कांतिलाल भूरिया अक्सर अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं और कई बार वो इस तरह के अजीबोगरीब बयान दे जाते हैं या ये कहें कि मंचों से ऐलान कर जाते हैं जिसके बाद खुद उनको समझ में नहीं आता कि आप इसको डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें साफ ही उल्लेख है कि हर महिला को साल में 1,00,000 रुपये उनके खाते में भेजे जाएंगे और उसी का वो जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हर महिला के खाते में 1,00,000 रुपये भेजे जाएंगे। लेकिन वह इसके यहीं तक नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दो बीबियां हैं उनको 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे अकाउंट में। हालांकि ये बयान उनका जब आया उसके बाद खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उस मंच पर मौजूद थे, पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो दिग्विजय सिंह वो भी मंच पर मौजूद थे और खुद उन्होंने ये कांतिलाल भूरिया के बयान का को कहा कि ये भयंकर ऐलान कर दिया गया है। हालांकि देखिए 13 तारीख को वहाँ चुनाव है, कुछ ही समय बचा है और जिस तरीके से कांतिलाल भूरिया ने पिछले इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से बयान दिए, खासकर जो उनके सामने प्रत्याशी है अनीता नागर को लेकर जो बयान दिए, उनके पति को लेकर जो बयान दिए, वो लगातार सुर्खियों में रहे और अब एक बार फिर उन्होंने एक बयान जो दिया है जिसको लेकर हो सकता है कि बीजेपी उन पर हमलावर हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये बयान उनका सामने आया और उसके बाद जीतू पटवारी भी उनके इस बयान का समर्थन करते नजर आए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शैलेंद्र। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने थाना प्रभारियों और एसडीएम पर पोलिंग बूथ को लूटने के गंभीर आरोप लगाए, लोकतंत्र को खतरे में बताया, कहा कि थानेदारों का वारंट जारी कर दिया जाए तो डाकू भी शर्मा जाए। साथ ही फूल सिंह बरैया ने स्थानीय मंत्री पर भी निशाना साधा। देखिए गर्मी भी ज्यादा है और भिंड तो वो आ जाती है। अगर ये ऊधम पट्टा नहीं करते, ये लोकतंत्र का गला नहीं घोंटते, ये लूटते नहीं, तो फूल सिंह बरैया 2,25,000 के इर्द गिर्द जीतने की तैयारी थी। अब इन्होंने मेरे 75,000 वोटों का टांका डाल दिया है। अब मैं 1,50,000 के आसपास जितना जीतूंगा, यह है पोजिशन। तो कहा कि पहले करीब 2,50,000 के आसपास मेरे जीत का अंतर रहता, लेकिन 75,000 वोटों पर डाका डाल दिया है, तो ऐसे में अब जीत का अंतर मेरा 1,00,000 के आसपास रहने जा रहा है। 77 पोलिंग बूथ ऐसे जिन पर दोबारा पोलिंग करवाने की मांग फूल सिंह बरैया ने की। पोलिंग बूथ को लूट लिया गया, ये आरोप लगाए हैं थानेदार। ऐसे है कि डाकू भी इनसे शर्मा जाए। स्थानीय मंत्री को लेकर भी निशाना साधा फूल सिंह बरैया ने। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 सालों में गिरावट आई है। साल 1950 से 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी करीब 7.82% घटी है। वहीं इस दौरान मुस्लिम आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ है। 1950 में देश में हिंदुओं की आबादी थी 84.68%, जो 2015 में घटकर रह गई 78.06%। वहीं 1950 में देश में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर हो गया 14.09%। देखिए ये एक रिपोर्ट है, उसके पीछे तमाम प्रकार के तथ्य हैं, आंकड़े हैं, और जो आंकड़े हैं वो सच्चाई बयान कर रहे हैं। कांग्रेस को क्यों हड़कंप है? कांग्रेस में कांग्रेस को क्यों आपत्ति लगती है इस रिपोर्ट पर? कांग्रेस जहां मुसलमानों के बारे में कोई सवाल खड़ा होता है कांग्रेस घबराने लगती है। वोट बैंक की राजनीति क्यों करती है? तुष्टिकरण की राजनीति क्यों करती है? जब जब ऐसे सवाल आते हैं कांग्रेस अपना मुंह क्यों छिपाती है? रिपोर्ट बताए, कोई सरकारी अथेंटिक उसकी प्रमाणिकता बताए उस रिपोर्ट की। नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे की रिपोर्ट को ये गलत करेंगे? कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो द्वेष विद्वेष और नफरत का एजेंडा है उसको फैलाने वाला एजेंडा है। बताएं वो किस प्रमाणिक करें? भारत में अभी जनसंख्या तो 2021 में होनी थी, वो तो सेंसस हुआ नहीं है।
ये आंकड़ा उन्होंने कहां से निकाल दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चौथे चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। इस बीच सीएम बड़वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र पटेल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। मंच पर गजेंद्र पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सीएम का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बड़ी संख्या में जनता ने आकर समर्थन दिया, मोदी जी की सरकार पुनः बनाएंगे। पांचसेमल विधानसभा निवासी स्थान पर मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान गजेंद्र पटेल जी के चुनाव के प्रचार के लिए आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बारे में बहुली हमारा पूरा क्षेत्र ये जनसंघ के जमाने से हमारा गढ़ है और आज भी उस प्रकार का रिस्पॉन्स दिख रहा है। बड़ी संख्या में भाई बहन आए और निश्चित रूप से मोदी सरकार को पुनः बनाने के लिए वो संतुलित हुए मेरी अपनी ओर से। खरगोन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्हें झूठा बताया, साथ ही कहा कि चौथे चरण में सभी 8 सीटें बीजेपी जीतेगी। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता के घर में हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर से उड़ते उतरते घर में, लेकिन गरीब का ध्यान नहीं रखते। हमारी सरकार ने फैसला किया, आपके पांच सिमल के अंदर भी कोई बीमार हो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाओगे और कोई कारण से उसको कहा कि इसको इंदौर ले जाना, दिल्ली या बंबई ले जाना, उसकी जान बचाना है, तो माननीय मोदी जी के लिए ताली बजा, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवा लेना आप सब। वही खंडवा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बीजेपी की जीत का दावा दोहराया। तो खंडवा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि राहुल गांधी बौखला गए। देखिए, कांग्रेस का भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। अब ये कहते हैं इनके नेता, इनके सलाहकार के कोई चीन जैसा लगता है, कोई नेपाल जैसा लगता है, कोई कहीं जैसा लगता है। अरे हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, एक ही चेतना सब में है और हम सब एक हैं। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। इनका भारत की जड़ों से, माटी से, विचार से, जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो विदेशी विचारों से प्रभावित होकर काम करते हैं। इनकी सगी जगह भारत नहीं है, इटली है। अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। वीडी शर्मा ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने अनिल फिरोजिया के लिए जनसंपर्क भी किया और लोगों से बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की। वहीं ढोल धमाकों के साथ जनसंपर्क निकाला और घर घर जाकर जनता का आशीर्वाद लिया। इंदौर में कांग्रेस की नोटा पॉलिटिक्स पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि अगर किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाए तब भी चुनाव कैंसिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नोटा को उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिल जाए तब भी नोटा के बाद जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार होगा वही विजयी कहलाएगा। नोटा एक विकल्प है, विकल्प के रूप में जो ईवीएम में जो आखिरी बटन है वो नोटा का है। नोटा कंटेस्टिंग कैंडिडेट नहीं है, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी नहीं है। तो यदि आप ये समझना चाह रहे हो या जानना चाह रहे हैं कि यदि नोटा को अधिक मत मिल जाए विनिंग कैंडिडेट से, तो वर्तमान प्रावधान में ऐसा नहीं है कि निर्वाचन रद्द हो जाएगा या नोटा को विजयी घोषित कर दिया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था वर्तमान निर्देशों में नहीं है। भोपाल में वोटिंग के दौरान वीडियो बनाकर पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। मतदान करने के बाद युवक पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस युवक की खोज कर रही है। दरअसल युवक ने मतदान करते समय का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपने साथ एक बच्चे से ईवीएम का बटन दबवा रहा है। ये वीडियो सामने आते ही पुलिस ने शख्स पर धारा 188 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके साथ ही बूथ के पीठासीन अधिकारी
समेत अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड करते हुए बूथ पर तैनात प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया। बस छोड़ दिए, छोड़ दिए, हो गई बेटा। क्या डायमंड?